हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन आना या फिर टांगों में बहुत ज़्यादा ऐंठन होना ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीज़न होते हैं। साथ ही हम कुछ उपायों के बारे में भी जानेंगे। यदि गर्भवती महिलाओं को ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो अच्छे से सो भी नहीं पा रही हैं टांगों में ऐंठन झंझनाहट की वजह से, तो ऐसे में एक गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी नींद अगर कम्प्लीट नहीं पाएगी तो हम फ्रेश फील भी नहीं कर पाएंगे। तो घबराइए नहीं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में जो आपको बेल आइकन दिखती है उसे दबाकर ऑल बटन पर प्रेस कर लें, जिससे कि गाइस हमारी हर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके रीजन क्या होते हैं। टांगों में गर्भावस्था के दौरान ऐंठन हो रही हो या फिर झंझनाहट होती है तो इसके क्या रीजन होते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आपने उन उपायों को फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा और आप आराम से सो भी सकती हैं। काफ़ी सारी ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम होती है, सूजन की प्रॉब्लम होती है पैरों में, टांगों में ऐंठन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी नींद भी नहीं ले पाती हैं, रात रात में उनकी नींद खुल जाती है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको समझ में आ जाएगा और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि झंझनाहट, ऐंठन और सूजन आने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था का जब दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है, कहने का मतलब चौथा महीना जब स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा जो वजन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ने लगती है, बच्चे का वजन अंदर से बढ़ता है, बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है, तो जाहिर सी बात है एक गर्भवती का वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। और वजन बढ़ने के कारण ही पैरों में सूजन आती है, पैरों पे दबाव पड़ता है, टांगों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ऐंठन की प्रॉब्लम होती है गर्भावस्था के दौरान टांगों में, और झंझनाहट भी आपको देखने को मिल सकती है और पैरों में सूजन भी देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब आम होता है, आम बात है और नॉर्मल है, ऐसा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और हमारे हार्मोन्स अप डाउन होने की वजह से भी हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब हार्मोन्स की वजह से भी होता है और वजन बढ़ने के कारण भी होता है। ठीक है, अब आपने ये तो समझ लिया कि ये ऐसा क्यों होता है, साथ ही एक और रीज़न आप जान सकती हैं, जैसे कि आपका वजन तो तेजी से बढ़ता ही है और आपका वजन भी बढ़ रहा है और आप फिर भी ज़्यादा देर तक किसी भी स्थान पर खड़े होकर काम करेंगी, एक दो घंटे खड़ी रहेंगी, तो दोस्तों ऐसे में भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपको टांगों में ऐंठन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और पैरों में सूजन भी आपके आ सकती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, किसी भी स्थान पर ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी ना खड़े रहें। ठीक है, आप जान लेते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको सबसे पहले, जैसे कि आप दीवार का सपोर्ट ले सकती हैं या फिर जब आप किसी स्थान पर बैठती हैं, जैसे कि बेड पर बैठी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो दोनों टांगे हैं आपकी वो आपको सीधा कर लेनी है और सीधा करके आपको थोड़े से ऊपर करना है, फिर थोड़ा नीचा करना है, फिर ऊपर करना है, फिर थोड़ा नीचा करना है। ठीक है, आपको ऐसा करना है तो इससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में जो सिकुड़न सी आ जाती है उसमें हेल्प मिल जाती है, मांसपेशियां एकदम एक्टिव होनी चाहिए, तो आपको ये ज़रूर करना है। ठीक है, अब जान लेते हैं और आपको क्या करना है। दोस्तों, जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ का टुकड़ा आप लीजिए और कॉटन, जो धुला हुआ कॉटन का कपड़ा होना चाहिए उसमें आप आइस को रख लीजिए, जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो एक कॉटन के कपड़े में रख लीजिए, और जहाँ आपको ऐंठन दर्द हो रहा है पैरों में या फिर सूजन आ गई है या फिर टांगों में दर्द हो रहा है, तो वो आपको टांगों पे उसकी सिकाई करनी है, बर्फ़ से आपको टांगों में सिकाई करनी है और पैरों में भी आपको सिकाई करनी है। आप ये करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी जो बात है वो आप अपने खाने पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा फ्रिज की चीज़ें मत खाइएगा, क्योंकि ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी खाने से ना हमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप अपने खाने का भी ध्यान रखें और आप ये ज़रूर करके देखें जो हमने आपको बोला है।
साथ ही आपको जैतून का तेल आपने शायद सुना होगा, जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, तो उसकी मसाज भी कर सकती हैं। जैसे आप शाम को सोती हैं तो ऑयल होता है ना, जो हमने आपको बताया है जैतून का तेल ऑलिव ऑयल, तो उससे आप हल्के हल्के हाथों से मसाज भी कर सकती हैं। अगर ऑयल नहीं है तो आप आइस, जो मैंने आपको बताया है, बर्फ के टुकड़े से भी आप सिकाई कर सकती हैं, बहुत ही आराम मिलेगा। ये चीज मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी गर्भावस्था के दौरान भी मुझे फेस करनी पड़ी थी। पूरे 9 महीने तक मैंने इस चीज को फेस किया है और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप भी अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकती हैं, ठीक है। और लेकिन मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था, मुझे फिर भी आराम नहीं मिला था, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, दर्द की, टांगों में ऐंठन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, ये सब नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को इस बारे में सारी बातें बताई तो फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि ये आम बात होती है, नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस आपको यही सजेशन देती हूँ कि आपको भी एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। और गाइस, जो मैंने आपको बोला है वो टिप्स आप एक बार जरूर फॉलो करें, बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर।